गुड इवनिंग। सो इस समय शाम हो गई और अचानक से एमसीसी पे नोटिस आ गया है। जैसे कि हम जानते हैं कि काउंसलिंग शुरू होने वाली है और मैं आप लोगों को डायरेक्टली हमेशा एमसीसी की वेबसाइट दिखाऊंगा ताकि फ्यूचर के लिए कहीं आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। देखिए यहाँ पर हम यूजी मेडिकल में जाते हैं जिसमें आपको ध्यान होगा कि आपको पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के बारे में, डीयू कोटा जो चिल्ड्रन ऑफ वॉर का कैटेगरी होती है, नोटिस आया था। अब लेटेस्ट आ गया है नोटिस फॉर कन्वर्जन इंडियन टू एनआरआई कैंडिडेट फॉर राउंड 1 यूजी काउंसलिंग। धीरे धीरे समझेंगे। पहली बात देखिए, जो बच्चा एनआरआई था और उसने फॉर्म ही भरा था एज ए एनआरआई नेशनल, तो वो तो बाय डिफॉल्ट काउंसलिंग में एनआरआई है। और आप ये समझिए कि ये जो एमसीसी काउंसलिंग है ना, ये हमेशा नीट से डेटा उठाती है। इसका मतलब क्या होता है कि एक पुराना किस्सा है, क्योंकि नीट में एक बच्चा हम लोग कैटेगरी क्वालिफाइड था, तब वो जर्नल था, बाद में वो बच्चे का मेरे पास एक्चुअली आया कि सर तो ओबीसी हो गया, गलती से हमने जर्नल भर दिया था। लेकिन एज पर नीट फॉर्म एंड एज पर नीट रिजल्ट आप क्वालिफाई थे ही नहीं, राइट? तो फिर वो कहीं पर भी आप नंबर डालते थे आप, क्योंकि तो नीट स्कोर कार्ड के हिसाब से आप क्वालिफाई थे ही नहीं। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, तो उस एग्जाम्पल को छोड़ो। अब हम बार बार मैं आपको समझाता हूँ कि नहीं, बहुत तरह की काउंसलिंग होती है, उसमें से एक है ये एमसीसी, जिसका काम क्या होता है, एम्स, जिपमर, बीएचयू, हर सरकारी कॉलेज की 15% सीटें, जिसमें एनआरआई सीट नहीं आएगी उस सरकार। तो लेट्स से अगर अमृतसर में सरकारी कॉलेज में सीट्स हैं या रोहतक में है, तो वो इस काउंसलिंग में नहीं आएंगी। जितने भी स्टेट के सरकारी कॉलेज की एनआरआई सीटें हैं वो स्टेट की काउंसलिंग में जाएंगी। सिमिलरली जो स्टेट के प्राइवेट कॉलेज हैं, बेसिकली चाहे वो 53 कॉलेज के अलावा, उनकी एनआरआई सीटें स्टेट काउंसलिंग में जाएंगी। ये काउंसलिंग किसके लिए होती है, एम्स, जिपमर, बीएचयू, एएमयू और 15% सीट्स ऑफ ऑल सरकारी स्टेट कॉलेजेस एंड 53 एमसीसी वाली डीम्ड यूनिवर्सिटीज, जिसमें हर कॉलेज में 15% एनआरआई सीटें होती हैं। अब किसी बच्चे ने अगर एज ए फॉरेन नेशनल नीट का फॉर्म भरा था, तो वो बाय या मतलब खुद अपने आप को एनआरआई डिक्लेयर किया था, इंडिया के बाहर से फॉर्म भरा था, तो आप तो बाय डिफॉल्ट ही एनआरआई हो। अब कैटेगरी 1 है या 2 है कि अगर बच्चा इंडियन होता है, और अगर बच्चा इंडियन था, पिताजी बाहर थे, तो बेसिकली फिर आप इंडियन स्टूडेंट थे और फिर भी आप एनआरआई की कैटेगरी में कभी कभार आ जाते हो, जो कि डिफरेंट रूल्स होते हैं, राइट? फिर सब इस पे आते हैं, इस नोटिस को पढ़ते हैं और बारी बारी चीज़ें देखते हैं। तो ये सब वही है जो मैं आपको बार बार समझाता हूँ कि इस रूल के हिसाब से कौन लोग हैं जो एलिजिबल है। तो कैसे होता है, हमने कहा ना कि किसने कहा था कि फर्स्ट ब्लड चाहिए खासकर इस काउंसलिंग में, तो वो हमेशा आप इसी केस को बारे में सुनोगे। तो आप इसे गूगल भी करोगे, इन्होंने लिखी दिया कॉपी एनक्लोज, कॉपी नीचे है, सच कैंडिडेट शुड सेंड द रेलिवेंट डॉक्यूमेंट एज मेंशन बिलो इन सपोर्ट ऑफ देयर क्लेम टू चेंज नेशनलिटी फ्रॉम इंडियन टू एनआरआई। तो हम सबको अपने अपने ऑफिशियल ईमेल आईडी से, और कोशिश कीजिए वो ईमेल आईडी यूज करने का जो कि आपने नीट के फॉर्म में यूज किया था, ठीक है? सिंपल ईमेल डालनी है कि प्लीज चेंज माय कैटेगरी। तो जब हम फिर हम फॉर्म खोलेंगे ऑल इंडिया कोटा एमसीसी का, तो बेसिकली हम एनआरआई सीट्स के लिए ही सिर्फ एलिजिबल होंगे। ध्यान ये रखिएगा, एमसीसी में या तो आप एनआरआई सीट के लिए एलिजिबल हो या आप लोकल सीट के लिए एलिजिबल हो, हर जगह यही होता है, आप दोनों के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक? और कैसे पता चलेगा कि आप, अब आप थे तो इंडियन पर एनआरआई स्पॉन्सर्ड में जाना चाह रहे हो, ठीक है, उसका या एनआरआई कैटेगरी में जो भी है, तो उसके लिए आप ईमेल डालोगे इनको, UG.NRI, और ये लोग एक एक ईमेल पर्सनली चेक करते हैं। कल से लेके आपको 4 दिन का समय दिया गया है। आप में से मोस्टली लोगों के पास ऑलरेडी, जो अगर आपने काउंसलर किया हुआ था, तो यही एक नोटिस था जो आपके पास होने चाहिए था, आपको मेल भेजनी है, ठीक है? फिर ये नोटिस है जो पढ़ेंगे। अब आ गया क्या क्या करना है। देखिए ये Annexure 1, ये एक सिंपल वर्ड डॉक्यूमेंट में टाइप कीजिए, बच्चे का नाम, मैं इसका बच्चा हूँ, रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, मैं अप्लाई कर रहा हूँ कन्वर्जन फ्रॉम इंडियन टू एनआरआई, आई हैव क्लियर एनआरआई, देख देख देख, आई एम वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट माय कैटेगरीज कन्वर्टेड। देखो, एक बार अगर आप किसी भी राउंड में कन्वर्ट कर लेंगे ना, तो बाद में वापस नहीं आ पाएंगे। फिर से मेरी आपको सलाह है, और यहीं पर एक स्मार्टनेस काम आती है, कभी कभार आपके मार्क्स ऐसे होते हैं कि आपने फिलहाल एनआरआई के पेपर बनवा रखे हैं, नंबर लेट से आपके 380 हैं, 370 है, बजट का इशू नहीं है, पर आप ये चाह रहे हैं कि यार पहले राउंड में तो मैं खुद ही ट्राई कर लूं कि मुझे नॉर्मल सीट मिल जाए, और फिर मैं राउंड 2 में या 3 में देख लूं कि क्या मुझे अपने आप को एनआरआई में कन्वर्ट करना है, क्योंकि काफ़ी
खासकर जो 53 प्राइवेट कॉलेज है, सब में 15% NRI सीटें, काफी कॉलेज उनमें से ऐसे होंगे जिनमें राउंड 3 में भी आपको आराम से NRI सीट मिल जाएगी अगर आप लास्ट ईयर के भी अलॉटमेंट देखोगे। एक्चुअली मेजोरिटी की मिल जाती है, सिर्फ कस्तूरबास और JSS और वे टॉप के 5-6 छोड़ के। तो आप राउंड 2 में भी ये जो मौका मिलेगा ना, हर राउंड के बाद मिलेगा, ठीक है? तो जल्दबाजी मत कीजिए। सिमिलरली जैसे आपने कन्वर्ट करा लिया तो आप फिर आप तो आप NRI बन गए, तो ना मुस्लिम मिनोरिटी मिलेगा ना जैन मिनोरिटी मिलेगा। इन 53 कॉलेज में हम जानते ही हैं ना कि SKBS है जो कि जैन मिनोरिटी कॉलेज, और येनपुआ मैंगलोर है जो कि मुस्लिम मिनोरिटी है। आपको क्या क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स क्लेमिंग दैट स्पॉन्सर इज एन NRI, तो NRI सर्टिफिकेट जो हम कहते हैं उसमें पासपोर्ट और वीजा उस बंदे का आ जाए, रिलेशनशिप ऑफ NRI विद द कैंडिडेट्स एज पर द कोर्ट ऑर्डर, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये हो गया स्पॉन्सरशिप एफिडेविट, इसका सिंपल फॉर्मेट होता है। एम्बेसी सर्टिफिकेट ऑफ द स्पॉन्सर, के सर्टिफिकेट फ्रॉम द जो भी वहाँ पर है कंसुलेट, और इसी को हम NRI सर्टिफिकेट भी कह सकते हैं। एंड नीड स्कोर कार्ड ऑफ द कैंडिडेट जो कि अपना लोकल ही होगा, राइट? तो उसके बाद ये करके आप एक ईमेल भेज देंगे इनको, ठीक है? और ये वही जो आप बार बार हम बात करते हैं कि ब्लड रिलेशन वाली, जिसमें कि वो यही कहते हैं कि किसको हम रिलेशन मान रहे हैं, इस वाले को, ठीक है? जो मैं भी आपको बार बार समझाता हूँ, हिंदी में बच्चे के मम्मी पापा के सगे भाई बहन, मतलब बच्चे बच्चे के स्टूडेंट के मम्मी पापा के सगे भाई बहन वो होने चाहिए हमेशा, दादा दादी नाना नानी बुआ चाची बुआ मामा ताऊ चाचा बुआ माँ माँ मौसी या उनके बच्चे, ठीक है? तो इनमें से कोई NRI होना चाहिए तभी वो आपको ये सर्टिफिकेट दे सकते हैं। तो ये उसी के बारे में पूरा का पूरा कोर्ट ऑर्डर था। ओके, तो कल से स्टार्ट हो गया है। बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक। आप ये मेल कीजिए, जितने आपके पास कागज़ हैं भेज दीजिएगा, और ख़ासकर जो मैं मिशन इंक्रेज करता हूँ, हमें जिनके पास जेनुअन फर्स्ट ब्लड है ज़रूर फैमिली ट्री बनवाइए इंडिया में, उसको टेस्ट करवाइए SDM से, उससे बड़ा इफेक्ट प्रभाव पड़ता है कि आपकी कैटेगरी चेंज होगी। ओके, बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, कीप वॉचिंग द चैनल, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।